अब एक वाकया और बयान करते चलें कि जब शहादत हुई आगा मुस्तफ़ा खुमैनी की नजफ में, उससे कुछ देर पहले, अब इनको नहीं मालूम था क्योंकि वो अलग घर में रहते थे जी, तो इनको नहीं मालूम था कि कोई वहां पर वाकया हुआ है। तो इमाम खुमैनी ने एक आलिम दीन को, अपने शागिर्द को पैसे दिए थे कि ये वाले पैसे एक फलाने जरूरतमंद आलिम दीन को जाके दे आए। जी। तो ये पैसे लेके निकले और रास्ते में वो हजरात आ रहे थे इमाम खुमैनी के पास इत्तला लेके उनके फर्जंद की शहादत की, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा फलानी जगह के अभी अभी जो है हमें पता चला है कि आगा मुस्तफ़ा की, आगा मुस्तफ़ा दुनिया से रुखसत हो गए, तो हम इमाम खुमैनी को बताने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये वापस आ गए उनके साथ। अब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है आगा अहमद के साथ। इसी दौरान जब इमाम खुमैनी ने उन साहब को देखा कि जिनको पैसे लेके भेजा था जी, इसी दौरान उनको बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगे तुम गए नहीं? तो इन्होंने कहा कि मैं जा रहा था, गली में इन लोगों से मुलाकात हुई तो आप आ गया था आपके पास। उन्होंने कहा जाओ, इस वक्त उनको पैसों की जरूरत है, पहले वो दे के आओ। अल्लाह हू अकबर। फिर इसी तरीके से आगा शुबैरी जंजानी के वालिद और दीगर उनके जो दोस्त हैं वो फरमाते हैं कि हम लोग जब मशहद आते थे तो ज्यारत के लिए साथ जाते थे, लेकिन वो कुछ देर पहले निकल जाते थे, वापस आ जाते थे और हमारे लिए चाय और खाने पीने का इंतजाम करके रखते थे। अच्छा, अब आप ये देखें कि वो जा रहे हैं खुद ज्यारत के लिए, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से वो पहले जो है वो इज़्ज़त लेके वापस आ रहे हैं। क्यों? फिर इंतजाम ये तो आपके जाहिर वापस आएंगे सुभानअल्लाह, खाना या चाय और ये सारी चीजें तैयार करके रखूं। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो यहाँ से ये चीज जहन में रहे कि हम लोग जब ज्यारतों पे जाते हैं जी, तो बाज दफा लोग बहुत ज्यादा रंजीदा हो जाते हैं और बाज दफा लोग ये कहते हैं कि इसके चक्कर में और उसके चक्कर में हमें जरीमे के पास बैठने का या ज्यारत का टाइम नहीं मिला। तो जहन में ये रखें कि जाते में हों या वहां जाके हों, जितनी खिदमत करेंगे लोगों की, मिसाल के तौर पे जाते में किसी की व्हील चेयर करें, उठाएं वो चलाएं या उठाएं सामान, खुसूसन बाज वो खवातीन जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं उनका सामान उठाएं, तो ये सबसे बड़ी इबादत है। फिर जब जरी के पास, जब हरम पहुंचे तो उस दौरान देखें कोई शख्स अगर परेशान है, किसी की कोई जिम्मेदारी है, फर्ज करें कोई बीमार हो गया है, और सवाल हमसे ये होता है, हम 50 जायरों में से, कि भाई ये आदमी बीमार हो गया है इसके पास कमरे में रुकना है या ये आदमी बीमार हो गया है इसके साथ हॉस्पिटल में रुकना है। जी। तो अक्सरियत ये कहेंगे कि भाई हम तो ज्यारत के लिए हर दफा थोड़ी आते हैं, हम अब क्या अपना ज्यारत बेकार कर दें? तो यहाँ पर तो अब सबको काम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ना हो तो जो भी उसके साथ अस्पताल में रुकेगा वो उसको आगे बढ़ना चाहिए या कमरे में रुकेगा, उसको कतअन जरिए मासूम के पास खड़े होकर ज्यारत पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि इमाम को मालूम है कि ये मेरी जरी के पास आने के लिए और मेरे पास आकर बैठकर ज्यारत पढ़ने के लिए या आकर खड़े होकर ज्यारत पढ़ने के लिए, राज-ओ-नियाज के लिए बेचैन है, लेकिन ये मेरे चाहने वाले की वजह से नहीं आया, तो उसको दुगना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरीके से हम कभी जरी के पास गए हों, कोई शख्स कहे कि जी मुझे टॉयलेट ले चले बुजुर्ग हो, या मुझे पानी ला दें, या मुझे वापस ले जाएं, अब मुझ में ताकत नहीं है बैठने, तो हम भी उसको लेकर वापस आ जाएं, ज्यादा सवाब मिलेगा, फिर बेशक वापस चले जाएं।